अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASJ न्यूज़। नाज़रीन, बहादुरपुरा फ्लाई ओवर ब्रिज के सिलसिले में आज मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान साहब ने असम्बली में आवाज़ उठाई कि इस फ्लाई ओवर ब्रिज की जो तामीरी तौर पर जो ताखीर की जा रही है, इसको जल्द से जल्द इसकी तामीर मुकम्मल की जाए। आइए देखते हैं असम्बली में मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान साहब ने क्या कुछ कहा। देखते हैं हमारे मीडिया पर्सन शेख ज़ीशान की ये रिपोर्ट। चुके हैं वो भी आज तक रिलीज अमाउंट रिलीज नहीं कर रहे हैं सर, तो मैं आपके जरिए वो भी कहूंगा सर। और ख़ास तौर से सर, मुझे अफसोस के संगाती इस असम्बली में ठहर कर आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना पड़ रहा है सर, KT रामाराव साहब की मिनिस्ट्री के अंदर शहर हैदराबाद में एक बेहतरीन तरक्की हो रही है, एक मॉडल शहर बन रहा है, एक एडवांस शहर बन रहा है। मगर मेरी कॉन्सेंसी इसी शहर में आती है, बहादुरपुरा कॉन्सेंसी। 2016 के अंदर KT रामाराव साहब के साथ एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया था बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज का। आज 2020 आ चुका है सर, उस 2021 आ चुका है, वो फ्लाईओवर आज तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे अफसोस के साथ आपके जरिए इस हुकूमत से कहना पड़ रहा है, जब आप तरक्की, हाईटेक सिटी, गच्ची बोली, माधोपुर, इस इलाकों में आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो पुराने शहर को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं सर आप? वहाँ की आवाम में बेचैनी है, वहाँ की आवाम में एक तकलीफ है सर। इस फ्लाईओवर से, ये नेशनल हाईवे 7 है सर बेंगलुरु का, क्या बोलते, तो ज़्यादा ओवरलोडेड है पब्लिक का, हैवी ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर, हैवी पब्लिक है, आने का जाने का रास्ता है वहाँ पर। कई तकलीफों से मेरी कॉन्स्टेंसी के लोगों को